नमस्कार, मैं हूं प्रिया। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। नाम बिहार का आए तो जमीन विवाद अगुआ की तरह साथ में आते हैं, क्योंकि घर चाहे कोई भी हो, जमीन से जुड़े विवाद का होना लाजमी है। जमीन से जुड़े विवाद ही कारण बनते हैं पारिवारिक कलह और अशांति का। यही कारण भी है कि बिहार सरकार लगातार यही कोशिश करती आई है कि समय पर जमीन से जुड़े विवादों को सुलझाया जाए। इसी कड़ी में अब जमीन विवाद को सुलझाने के लिए सरकार ने तकनीक का सहारा लेने का फैसला लिया है, जिसके तहत ही जल्द जमीन विवाद के निपटारे के लिए अधिकारियों का व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है। इसमें सभी जिलों के अपर समाहर्ता सहित विभाग के प्रभारी पदाधिकारी और संबंधित प्रशाखा पदाधिकारी और सहायक को जोड़ा गया है। इसका मकसद विभाग के बीच आपसी तालमेल से भूमि विवाद के मामलों का तत्वरित निपटारा करना है। इसके अलावा बिहार में भूमि विवाद से जुड़े मामलों की गृह विभाग पहले तो त्रिस्तरीय समीक्षा करने वाला है। उसके लिए सभी थाना, अनुमंडल और जिला स्तर पर अलग अलग रिपोर्ट की मांग की गई है। साथ ही गृह विभाग से जुड़े मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम के पोर्टल पर भूमि विवाद के लिए तैयार मॉड्यूल में संशोधन कराने का निर्देश भी आईटी मैनेजर को दे दिया गया है। इसके साथ ही भूमि विवाद निपटाने को लेकर गृह विभाग ने अब हर महीने निपटाए गए मामलों का भी डेटा ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करने की बात कही है। इससे जिलावार मॉनिटरिंग का काम आसान होगा और सबसे ज्यादा मामले कहां से आ रहे हैं और किन किन जिलों में मामलों का निष्पादन हो रहा है, इसकी भी सारी जानकारी अब मिल सकेगी। इतना ही नहीं, मिली जानकारी के अनुसार अक्सर ये देखा गया है कि भूमि विवाद के कारण कब्रिस्तान घेराबंदी की योजना में देरी हो रही है। इसी को ध्यान में रखते हुए जिला स्तर पर विशेष दल का गठन करने का निर्देश भी गृह विभाग की तरफ से जारी कर दिया गया है, जिसके तहत उन जिलों की रिपोर्ट तलब करने को कहा गया है जहां की स्थिति फिसड्डी है। ऐसे सभी जिलों के संबंधित जिलाधिकारियों को तत्वरित सुनिश्चित कराते हुए रिपोर्ट देने को कहा गया है। साथ ही जिला स्तर पर कब्रिस्तान घेराबंदी योजना से जुड़ी समस्या के निराकरण के लिए अफसरों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करने को कहा गया है। इसके साथ ही मंदिर चार दीवारी योजना से जुड़े अपडेट आंकड़े भी विभागीय पोर्टल पर अपलोड करने और समस्या के निदान के लिए बैठक करने का निर्देश दिया गया है। हालांकि अब बिहार सरकार के जमीन विवाद को सुलझाने के पहल को देखकर एक बात तो तय है कि आने वाले समय में जमीन विवाद से जुड़े मामलों में कमी आने की उम्मीद साफ तौर पर है। इसके साथ ही आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।